अच्छा है आशा आपा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अपने बच्चे को गोद में भी नहीं उठा सकती, बहुत छोटा है अभी। हाँ गुड़िया, बस बस बस, हम सब है ना, अम्मा है, जमशेद है, मैं हूँ, हम सब मिलकर संभाल लेंगे ना जान। आप तक संभालेंगी, आपने भी तो अपना घर संभालना है ना, तो आपका मैं कर। अरे हालिया, ऐसी क्या गैरियत है, हैं? जब आयशा नहीं होगी तो मैं हूँ ना, अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में दमखम है, अपने पोते को संभाल लूंगी। ऐसी तो चलती है दुनिया। कल अम्मा की तबीयत खराब थी, तुमने उनका ख्याल रखा, आज तुम्हें प्लास्टर हुआ है, वो ख्याल करेंगी ना। यही तो डर है मुझे आयशा पर, जो सलूक मैंने अम्मा जी के साथ किया, कहीं वो सुनूं वो मेरे साथ ना करे। आपको पता है जब अम्मा जी मुझे आवाज़ देती थी ना पानी के लिए, तो मैं हैंड्स फ्री लगा के गाने सुन रही होती थी। मैंने उनकी एक ना सुनी, हो सके तो आशापा जमशेद अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जाने दो अब इन बातों को, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मुझे पोता दिया, ये कोई कम है, है? नई जिंदगी मिली है मुझे, छोड़ो सब बातों को, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हलिया, अम्मा बेचारी मुझसे कहती रही कि तुम उनका ख्याल नहीं रखती, और मैं पागल तुम्हें डिफेंड करता रहा, और आज तुम खुद कब बोल रही हो, दिल तो चाहता है कि जमशेद बस देख रहे उसकी क्या हालत है, मुंह से कबूल कर तो रही है, बस कर दो, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आयशा एक बात बताओ, तुम ऐसे अचानक मियां के साथ कैसे आ गई? तो बताया भी नहीं, क्या खैर तो है? भला वो मेरी सास का अम्मा जो ख्वाब में आकर हबीब को मेरा और बच्चियों का ख्याल करने को बोल कर गई, खुद हैरान थी, चले गए छोड़ के।